हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं जाने वाला हूँ प्रगति मैदान ट्रेड फेयर देखने, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, और हाँ मैं मतलब सारा तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो भी दिखाऊँगा आपको बहुत बढ़िया चीज़ें दिखाऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और लास्ट में अपना कमेंट जरूर करें और बताना कि वीडियो कैसी बनी। तो चलिए चलते हैं ट्रेड फेयर, और रेडी होता हूँ मैं, निकलता हूँ। तो चलिए, तो अभी गाइज हम अंदर पहुँच चुके हैं, और इसका जो टिकट है ट्रेड फेयर का वो 80 रुपीज़ है। और अभी हम यहाँ अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर ये मैप दिखाया गया है कहाँ पर कौन सा हॉल है, कहाँ पर क्या है, ये सारा इस मैप में दिखाया गया है, सारी डिटेल दी हुई है। तो अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो अंदर आते ही हमें यहाँ पर ये पहला हॉल मिला है, 12 एंड 12 है। तो अभी हम अंदर जाते हैं। तो गाइज़ अभी हम अंदर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, और कितने बढ़िया बढ़िया स्टॉल लगा रखे हैं लोगों ने। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमें ये प्यूरीफायर देखने के लिए मिले, और अभी आपको और चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर ये शीशा साफ़ करके दिखा रहे थे, ये देख सकते हैं आप कितना साफ़ कर दिया है शीशा। ये भी प्रोडक्ट हमें बहुत बढ़िया लगा, और आगे आपको दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। इसके बाद हम आए इस स्टॉल पे, यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ थी, ये राजस्थान का स्टॉल था। यहाँ पर ये मिठाइयाँ, गजक, गुड़पट्टी, ये सब रखा हुआ है, और अलग अलग टाइप का। तो हमने भी थोड़ा चखा, तो बहुत मतलब बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा था। तो और आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी की मिठाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, और दिखाते हैं आपको और बढ़िया बढ़िया चीज़ें। तो अभी हम इधर आए हैं, ये है शर्मा ब्रदर्स करके स्टॉल है। तो यहाँ पर ये जो है कि ये किचन का प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किचन प्रोडक्ट मतलब प्याज हम कितने आसानी से काट सकते हैं, जो भी हमारा किचन के टूल्स होते हैं। आप देख सकते हैं देखो कितने बारीक प्याज काट दिया इसने, और बहुत सी चीज़ें थी जिससे काम हमारा किचन का बहुत ही आसान हो सकता है। वो देखिए वो चाकू से वो जल्दी जल्दी से भिंडी गाजर सब काट सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये जो सामने वाले बंदे के हाथ में है उससे प्याज उसने कितना बढ़िया सा चॉप कर रखा है, बिल्कुल बारीक। वो देखिए आप एग्जांपल दिखा रहे हैं वो भैया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने प्याज डाल दिया है, और देखिए ये बिल्कुल बस कितना आसान सिस्टम है ये, और देखिए इन्होंने ये पूरा प्याज इतना बारीक काट दिया है। देखो भाई वैज्ञानिक साइंस है ये भी, यही जैसी ये ऊपर वाला देख इतना छोटा है ये हाइट में, देखो ऊपर देखो जैसा आ गया फिट आ गया है, और नीचे देखो नीचे उसके बाद देखो फिर नीचे ले आएंगे वो वैसे इतना ही बढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी इतना आया नीचे बढ़ेंगे देखो नीचे सीट आ गया, ये देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, सेम बराबर है। ये लाइन को देख लिए ना आ गया है छोटे बेटे, और यहाँ भी पड़ेगा बराबर आ रहा है, देखो अंदाज देख लो इतना देख लो कितने लंबी लंबी है, यहाँ देखो छोटा हो गया है, और यहाँ फिर देखो इसी के बराबर हो जाएगा। ये देखो साइंस टेक्नोलॉजी। तो गाइज़ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गया है ये स्टीम मशीन, जो कि बहुत बढ़िया है, हम अपने फेस में स्टीम लगा सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये तकिए दिखा देता हूँ, ये बहुत बढ़िया गर्म होते हैं, चार्ज कर सकते हैं हम इन तकियों को। और आप सामने में देख रहे हो नीली और पीली कलर की बॉटलें, ये कोई भी दाग कपड़े से बड़े आराम से निकाल देती है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ थी। और साथ में हम अगले स्टॉल की तरफ आ गए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किचन के सारे जितने भी काम के प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर थे, बर्तन से लेकर हर एक चीज़ तक। और ये सैंडविच के आप सांचे भी देख सकते हैं सैंडविच बनाने के लिए, और साइड में उधर वो क्या बोलते हैं चिकन टिक्का, पनीर टिक्का जो भी बना सकते हैं वो भी था यहाँ पर। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे ये स्टॉल भी, किचन के सारे प्रोडक्ट थे यहाँ पर। तो गाइस अभी हम अगले स्टॉल की तरफ बढ़े, तो यहाँ पर जो हमें देखने के लिए मिला है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और उस जो इन आइटम्स की थीम थी वो बहुत ही बढ़िया थी।
जो कि बनाया गया है सारा कोकोनट का, जो बाहर का हस्क होता है, जो भी छिलका होता है वो जूट जैसा, तो उससे ये सारी चीज़ें बनाया गया है। और आप देख सकते हैं वो सामने में आंटी खुद अभी खुद लाइव बना रही हैं, और आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ें जो घोड़े हिरन ये भी जो भी आपको पत्ते दिख रहे हैं, ये सारा कोकोनट के जो बाहर का वो छिलका होता है उससे बनाया गया है। और ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये सारा सारे कोकोनट के उससे बनाया गया है। जो इनकी थीम थी कि यू स्क्वायर एंड सेव अर्थ और सेव वाटर, तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैट हैं फ्लोर मैट, ये सारा कोकोनट के हस्क से बनाया गया है, जो कोकोनट का छिलका होता है उससे सारा बनाया गया है। और साथ में आप अगले स्टॉल में देख सकते हैं ये सारी हैंडमेड चीज़ें हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, इतनी बढ़िया कलाकारी दिखाई गई है इसमें। ये सारे हैंडमेड आइटम्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर। और इधर हम अगले कंपार्टमेंट की तरफ आए, अगले स्टॉल पे, तो आप देख सकते हैं शानदार पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर सारे गॉड की और जो भी और चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हैं, बहुत बढ़िया पेंटिंग लगी मेरे को यहाँ पर ये। और बहुत कुछ था यहाँ पर पेंटिंग्स और जो भी है। तो अभी हम अगले स्टॉल की तरफ आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा जो है कि क्ले से बनाया गया है, चिकनी मिट्टी से। ये की रिंग्स जो भी है सारा क्ले से बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लूट और ये जो भी है सारी हैंडमेड आइटम्स हैं, बेसिकली सारी हैंडमेड आइटम्स हैं। तो अगले स्टॉल की तरफ हम बढ़े, तो यहाँ पर ये जो सामान आप देख रहे हैं सारा ये बैम्बू जो होते हैं उसके द्वारा बनाया गया है, बैम्बू से। ये देखिए बैम्बू के कप और बैम्बू द्वारा ये ट्रे बनाई गई है, बैम्बू द्वारा अलग अलग पॉट बनाए गए हैं, बैम्बू के द्वारा ये सारा की होल्डर बनाया गया है। तो हमने भी एक की होल्डर ख़रीदा है यहाँ से, और फ़ोन स्टैंड के लिए और की होल्डर, जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मतलब कितनी अच्छी कलाकारी दिखाई गई है कि बैम्बू से हम मतलब क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बैम्बू द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ अगले स्टॉल पर हम आए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है, और जितना भी काम देख सकते हैं यहाँ पर सारा वुडन में किया गया है, एकदम बहुत बढ़िया कलाकारी इन्होंने वुड पे दिखाई है। आप देख सकते हो गणेश जी और जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, कितनी बढ़िया तरीके से उभार रखी हैं यहाँ लकड़ी पे, बहुत बढ़िया काम किया गया है। और अगले स्टॉल में आ गए हम यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी ये ओल्ड पुराने ज़माने की ये देख सकते हैं मेटल्स की चीज़ें बनाई गई है। और साथ ही अगले स्टॉल पे आए हम, तो यहाँ पर क्ले द्वारा बनाया गया सारा पॉट जो भी है, टी पॉट, ग्लास, कप्स और ये जो भी क्रॉकरी का जितना भी सामान है, कितना बढ़िया शानदार तरीके से ये बनाया गया है। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं उत्तराखंड के स्टॉल पे, जहाँ के हम हैं, हम भी उत्तराखंड से हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ गए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के जो फेमस आटा, जो चावल जो होते हैं, मंडवा और झंगोरा बोलते हैं उसको, और यहाँ पर जो भी दाल हैं वो सारा रखा गया है। और आप देख सकते हैं केदारनाथ, केदारनाथ का कितना बढ़िया सा ये लकड़ी में बनाया गया, और साथ में बहुत बढ़िया स्टॉल था। तो अभी हम बाहर की तरफ आ गए, और आप देख सकते हैं यहाँ हर राज्य के स्टॉल लगाए गए हैं बाहर के में। आप देख सकते हैं सारा सारा का सारा कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ, और हर एक स्टेट के आपको स्टॉल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी हम इधर देख रहे थे, यहाँ पर ये बढ़िया बढ़िया मेटल के एकदम गॉड बनाए गए हैं भगवान, और यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर। और एक ये पॉट भी था जिसमें से एक मतलब साउंड आती है बहुत बढ़िया, तो मेडिटेशन के लिए। तो जी आ गए हम अपने अगले स्टॉल पे, यहाँ पर देख सकते हैं धनुष बाण से लोग अपना निशाना देख रहे थे कि कौन कितना परफेक्ट निशाना लगा रहा है, सब बढ़िया मज़े ले रहे थे यहाँ पर। और अभी हम आ चुके हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब हम सोच रहे थे कि अब यहीं पर एंड करते हैं, और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, हम एग्ज़िट हो रहे हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ ट्रेड फेयर में, बहुत बढ़िया चीज़ें देखने के लिए मिली। तो गाइज अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में नए दिन के साथ।